हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे ट्रांसपोर्ट के बारे में। देखिए, प्रीवियस वीडियो में भी हमने ट्रांसपोर्ट के बारे में पढ़ा था, बट हमने उसमें पढ़ा था रेलवेज़ के बारे में, और रेलवेज़ के बारे में जितना हो सकता था उतना डेटा कलेक्ट करके मैंने वहाँ पर अपडेट किया है। सो आज हम पढ़ेंगे रोडवेज़ के बारे में। देखिए, रोड्स के बारे में ज़्यादा नहीं है, बट इसमें चार पाँच चीज़ें हैं जो इंपॉर्टेंट हैं कि प्रोजेक्ट कौन से रिलेटेड है, लॉन्गेस्ट NH कौन सा है, शॉर्टेस्ट NH कौन सा है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया हो गया। इस तरह से थोड़ी बहुत चीज़ें हैं जो इसमें इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो काफ़ी छोटे होने वाली है, इसलिए आप अपना पेपर पेन साथ में रखिए, नोट्स बनाते रहिए, बिकॉज ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं होगी। एक बार आपके नोट्स बन गए तो आपको मैं हमेशा ही कहती हूँ कि वो हर एक एग्जामिनेशन के लिए हो जाएंगे, फिर आपको बार बार इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा। करंट अफेयर्स के हिसाब से आप उनको अपडेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए देखिए, हम पढ़ रहे थे ट्रांसपोर्ट रोडवेज़ के बारे में, मतलब हमें सड़कों वगैरह के बारे में पढ़ना है, ठीक है। नाउ द फर्स्ट रोड डेवलपमेंट प्लान वॉज फॉर्मुलेटेड इन 1943। पहला ऐसा प्लान जिसमें रोड्स की डेवलपमेंट के बारे में डिस्कशन किया गया वो 1943 में बना था, और इसे नागपुर प्लान के नाम से जाना जाता था, ठीक है। अब जो फर्स्ट फाइव ईयर प्लान था 1951 से 56 के बीच में जो आया था, देखिए इकोनॉमिक्स में हम फाइव ईयर प्लान्स पढ़ते हैं तो वो भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब हम इकोनॉमिक्स का सेक्शन पढ़ेंगे ना, उस टाइम पर हम इस चीज़ को कवर करेंगे, बट फिलहाल इस फाइव ईयर प्लान के हिसाब से जो सड़कें थी उनको चार टाइप्स में डिवाइड किया गया था। किस किस टाइप में? नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे, डिस्ट्रिक्ट रोड्स एंड विलेज रोड्स। जरा इसको लिंक करके पढ़िएगा, पहले नेशनल लेवल पे, फिर स्टेट लेवल पे, फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, और फिर विलेज लेवल पे, आप समझ जाएंगे, ठीक है। नाउ द लार्जेस्ट रोड नेटवर्क इन द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में जो सड़कों का जाल है वो सबसे ज़्यादा कहाँ बिछा हुआ है, ठीक है। तो वो बिछा हुआ है USA में, और सेकेंड नंबर पर रैंक आता है इंडिया का, ठीक है। नाउ द नेशनल हाईवेज कंस्ट्रक्टेड बाय CPWD। अब जो नेशनल हाईवेज, इसको कौन सा डिपार्टमेंट, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन, कौन सा इंस्टीट्यूशन बनाता है? तो वो बनाता है सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट। आपने अपने स्टेट में भी सुना होगा PWD होता है, तो जैसे स्टेट हाईवेज को PWD बनाता है, वैसे ही नेशनल हाईवेज जो होते हैं इनकी कंस्ट्रक्शन करता है CPWD, फाइन। अब देखिए, हमने ये जो चीज़ें पढ़ी ये बिल्कुल बेसिक थी। कोई भी टॉपिक आप स्टार्ट करते हैं पहले आपको इंट्रोडक्शन तो देनी पड़ती है कि हम क्या पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो आप इस जो अभी तक हमने पढ़ा उसको एज ए इंट्रोडक्शन जो है कंसीडर कर सकते हैं। अब जो ये तीन चीज़ें हैं ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस टॉपिक में, ठीक है, क्योंकि जो क्वेश्चन आता है, जो MCQs बेस्ड क्वेश्चन होते हैं वो यहीं से बनते हैं, ठीक है। NHAI क्या है, पहले तो फुल फॉर्म पता होनी चाहिए, ठीक है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, कब बनी थी? 1995 में बनी थी। किस एक्ट के अंडर बनी थी? तो एक्ट आया था 1988 में, उसके अंडर ये बनी थी, ठीक है। ये रिस्पॉन्सिबल थी फॉर मैनेजमेंट ऑफ हाईवे नेटवर्क। जो हाईवेज होते हैं इनको मैनेज करना, इनकी कंस्ट्रक्शन तो CPWD करवाता है, बट इनकी मैनेजमेंट के लिए ये रिस्पॉन्सिबल थी। माइनिंग ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है ये कि कोई भी आप डिपार्टमेंट पढ़ रहे हैं वो कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर आता है। पहले क्वेश्चन आते थे कि कब बना या हेडक्वार्टर कहाँ है, आजकल क्वेश्चन आते हैं कि कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर ये पड़ता है, फिर वो हम कंफ्यूज हो जाते हैं। अब देखिए, ये तो ईजी है, नेशनल हाईवेज़ की बात करें तो रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज मिनिस्ट्री के अंडर ही आएगा, राइट। उसके बाद आता है हेडक्वार्टर कहाँ पर हैं इसके, तो इसके हेडक्वार्टर हैं न्यू दिल्ली में, फाइन। तो अब हमारा नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया भी हो गया कंप्लीट। अब हम पढ़ेंगे इंडिया का लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे कौन सा है और इंडिया का शॉर्टेस्ट नेशनल हाईवे कौन सा है। तो जो लॉन्गेस्ट NH है वो है NH 44, बिल्कुल अपने दिमाग में बिठा लेना है, अपने नोट्स अच्छे से मेंटेन करो ताकि आपको ये हमेशा हमेशा याद रहे, क्योंकि देखिए ये चीज़ें तो चेंज नहीं होंगी। अब जो सबसे लंबा नेशनल हाईवे वो सबसे लंबा ही रहेगा, ज़्यादा से ज़्यादा उसका नाम चेंज होगा, इससे ज़्यादा क्या होगा, है ना। तो ये तो बिल्कुल फिक्स सी ही चीज़ें हैं, बट आपने क्या करना है, जब भी नोट्स बनाएं तो थोड़ी सी जगह हर एक टॉपिक के आगे पीछे छोड़ देनी है, जैसे यहाँ पे थोड़ी सी छोड़ दी या यहाँ पे थोड़ी सी छोड़ दी। इससे क्या होता है कि करंट अफेयर्स पढ़ते रहते हैं, पता नहीं टेस्ट एक साल में निकलेगा, दो साल लग जाएंगे, तीन लग जाएंगे, तो टाइम के साथ जो करंट अफेयर्स के बुकलेट्स आप पढ़ते हो उनमें कुछ ना कुछ अपडेशन आती है। ज्योग्राफी सेक्शन अलग होता है, इकोनॉमी अलग होता है, तो अब अपने नोट्स को अपडेट करते रहे टाइम के साथ, ठीक है। सो हम बात कर रहे थे लॉन्गेस्ट NH कौन सा है, ये है NH 44, ठीक है। श्रीनगर से कन्याकुमारी तक ऐसे बिल्कुल ऐसे चलता ही, ठीक है। ओल्ड नेम इसका था NH 7, तो आई नो NH 7 के नाम से सब जानते होंगे, बट अब इसका नाम NH 44 है, और इसकी लेंथ कितनी थी? 3745 किलोमीटर्स, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है शॉर्टेस्ट NH, सबसे छोटा नेशनल हाईवे कौन सा है, ये भी क्वेश्चन बनता है, तो वो है नेशनल हाईवे 966B।
इसका ओल्ड नेम क्या था? NH-47A। अब सब इसको इसी नाम से जानते होंगे, बट ये इसका न्यू नेम है। ठीक है, कहाँ से कहाँ तक है? कुंडनूर और विलिंगडन आइलैंड के बीच में है, कोची केरला में है। ठीक है, तो हमने पढ़ लिया शॉर्टेस्ट कौन सा है नेशनल हाईवे और लॉन्गेस्ट कौन सा है नेशनल हाईवे। ठीक है, आई होप आप नोट्स साथ में बना रहे हैं, क्योंकि एक बार आपके नोट्स प्रिपेयर हो जाएंगे ना, फिर आपको कभी टेंशन नहीं रहेगी कि अब कहाँ से पढ़ना है। मैं हमेशा इस चीज़ पे इसलिए फोकस करती हूँ क्योंकि सभी जो मैं खुद भी ऐसा करती हूँ कि कोई टॉपिक पढ़ रहे हैं, वीडियो देखी, उसे ऐड टू वॉच लेटर में कर लिया और सोचा बाद में बनाएंगे, बट बाद में कभी हो ही नहीं पाता है। इसलिए जैसे ही आपको टाइम लगता है वैसे ही आप एकदम से नोट्स बना लें, बेशक शॉर्ट में बना लें या कुछ भी अपने हिसाब से, जैसे भी आपको नोट्स मेकिंग अच्छा लगता है वैसे कर लें, बट नोट्स साथ साथ में बनाते रहें। क्योंकि अगर आप शुरू से मेरी वीडियोज़ देख रहे हैं ज्योग्राफी की, तो अभी तक काफ़ी कुछ कवर हो गया है ना। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। नाउ द क्वेश्चन आता है कि जो ईस्टर्न कोस्ट है उसके पैलर में कौन सा एनएच है, तो वो है NH-5। और जो वेस्टर्न कोस्ट है उसके पैलर में कौन सा एनएच है, वो है नेशनल हाईवे 17। अब देखिए, मैं इस चीज़ को एक बार सर्च कर रही थी, क्योंकि फिर हमेशा आप लोगों के कमेंट्स आते हैं कि मैम ये वाला ऐसा नहीं है, ये वाला वैसा नहीं है, बट जो मेरी बुक है उसमें इसी तरह से दिया हुआ है। लेकिन मैंने गूगल पे किया तो वहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन मिली ही नहीं कि ईस्टर्न कोस्ट के पैलर में कौन सा है या वेस्टर्न कोस्ट के पैलर में कौन सा है। तो आप एक बार इसे क्रॉस चेक कर लीजिएगा, बट काफ़ी नाउंड बुक से मैं आपको करवा रही हूँ ये चीज़, तो ये गलत तो नहीं होगा, राइट? सो नेशनल हाईवे 5 है ईस्टर्न कोस्ट के पैलर में और 17 है वेस्टर्न कोस्ट के पैलर में। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे नेशनल हाईवे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। ठीक है, अब अगर आपको याद होगा जब हमने ट्रांसपोर्ट के जो सेक्शन था इसमें जब हम रेलवेज पढ़ रहे थे, वहाँ भी हमने एक प्रोजेक्ट पढ़ा था जिसका नाम था डायमंड क्वाड्रिलेटरल प्रोजेक्ट। ठीक है, याद होगा। तो जैसे रेलवेज़ के टाइम में हमने उसके डेवलपमेंट के लिए या फिर चार सिटीज़ को जोड़ना है वो हमने पढ़ा था प्रोजेक्ट, तो वैसे ही यहाँ पे आ गया हमारा नेशनल हाईवे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। नाम से लग रहा है कि जो भी नेशनल हाईवेज़ हैं हमारे देश में, हमारी कंट्री में, उनके डेवलपमेंट के लिए कोई प्रोजेक्ट बना है, तो बस उसी के बारे में पढ़ना है। ठीक है, नाउ टू अपग्रेड वाइडन मेजर हाईवेज़ इन इंडिया। जो मेजर हाईवेज़ हैं, मेजर नेशनल हाईवेज़ हैं इंडिया में, उनको अपग्रेड करने के लिए ये प्रोजेक्ट चलाया गया है। प्रोजेक्ट स्टार्टेड इन 1998। 1998 में ये प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया था, इस प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई थी। उस टाइम पे पीएम कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी। नाउ ये चीज़ इंपॉर्टेंट है याद रखना कि जब ये स्टार्ट किया गया था उस टाइम पे पीएम कौन से थे, क्योंकि अब जो है ना क्वेश्चंस बहुत ही डेप्थ में आ रहे हैं। अब वो वैसे क्वेश्चंस नहीं, जैसे 4-5 साल पहले तो बहुत ईजी क्वेश्चंस आते थे, है ना। नाउ अब यहाँ पे देखिए कुछ अलग सी चीज़ लिखी हुई, इसको समझने की कोशिश करना कि जो नेशनल हाईवे हैं वो 2% है टोटल रोड्स का। मतलब इंडिया में जितना भी रोड नेटवर्क है ना उसका सिर्फ 2% आता है नेशनल हाईवेज़ के अंडर, लेकिन ट्रैफिक की बात करें तो वो 40% है। लेकिन जो आप कहते हैं ना कि ट्रैफिक है, कारें जो हैं, वो 40% जो व्हीकल्स हैं वो नेशनल हाईवे पे चलते हैं। ठीक है, तो आप समझ रहे हैं कितना ट्रैफिक होता है नेशनल हाईवेज़ पे। ठीक है, नाउ अब हमने क्या किया था, हमने गोल्डन क्वाड्रिलेटरल प्रोजेक्ट पढ़ा था। किस में पढ़ा था? रेलवेज़ में पढ़ा था। तो वही अब यहाँ पे भी आएगा कि जो अब जो नेशनल हाईवे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है इसके अंडर भी गोल्डन क्वाड, वो था डायमंड क्वाड्रिलेटरल प्रोजेक्ट, सॉरी रेलवेज़ में, एक बार करेक्ट करना, डायमंड क्वाड्रिलेटरल प्रोजेक्ट था रेलवेज़ में, यह है गोल्डन क्वाड्रिलेटरल प्रोजेक्ट जो क्या करता है, ऑब्वियसली चार सिटीज़ को ही कनेक्ट करता है। जैसे यहाँ पे लिखा है दिल्ली टू कोलकाता, कोलकाता टू चेन्नई, चेन्नई टू मुंबई, मुंबई टू दिल्ली, दिल्ली से कोलकाता, कोलकाता से चेन्नई, चेन्नई से मुंबई, मुंबई से दिल्ली। जो डायमंड क्वाड्रिलेटरल प्रोजेक्ट था रेलवेज़ वाला वो भी यही काम करता था। ठीक है, इन्हीं चार सिटीज़ को इसी तरह से क्वाड्रिलेटर बना के कनेक्ट करता था, ये भी यही काम करता है, बट वो डायमंड है और ये गोल्डन प्रोजेक्ट है, बस इतना सा ध्यान रखना है और इसमें कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट आ जाएगा आपका नॉर्थ टू साउथ एंड ईस्ट टू वेस्ट कॉरिडोर्स, कहाँ से कौन सी किसको जोड़ता है ये देखना है। अब देखिए कॉरिडोर्स आपको पता क्या होता है, जैसे आप कभी होटल में गए होंगे तो बीच में क्या होता है, ऐसे गली सी होती है, गलियारा सा होता है, इस साइड भी रूम्स होते हैं, इस साइड भी रूम्स होते हैं, तो उसको आप कॉरिडोर्स बोल सकते हो। या फिर आपने कुछ ऐसे रूम्स देखे होंगे क्वार्टर सिस्टम जहाँ पे बालकनी होती है बाहर में, तो उसको भी कई लोग कॉरिडोर बोल देते हैं, है ना। तो बस हमें कुछ वैसा वैसे कॉरिडोर पढ़ना है कि जो दो जगहों को कनेक्ट करता है। ठीक है, नाउ जो नॉर्थ साउथ कॉरिडोर है ये श्रीनगर से कन्याकुमारी तक है, इस तरह से नॉर्थ टू साउथ इस तरह से होती है, तो श्रीनगर से कन्याकुमारी तक है। और जो ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर है ये पोरबंदर गुजरात से सिलचर असम तक है। ठीक है, नॉर्थ से साउथ वाला कॉरिडोर ये है और ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर ये है। जो नॉर्थ से साउथ है ये चलता है श्रीनगर से कन्याकुमारी तक, और जो ईस्ट वेस्ट है ये चलता है पोरबंदर गुजरात से सिलचर असम तक। ठीक है, अब ये दोनों मिलते कहाँ पे हैं, क्वेश्चन ये भी आता है, वेरी इंपॉर्टेंट। जो नॉर्थ साउथ और ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर है ये कौन सा ऐसी सिटी है जहाँ पे मिलते हैं, तो ये मिलते हैं झांसी में।
ठीक है। नाउ मैक्सिमम लेंथ ऑफ कॉरिडोर्स इज इन तमिलनाडु, मैक्सिमम लेंथ इनके तमिलनाडु में आती है, उसके बाद सेकंड नंबर में यूपी पे आती है, ठीक है। तो ये तो हमने पढ़ लिया प्रोजेक्ट के बारे में। इसके अलावा आपको बताना चाहूँगी कि अपने चैनल पे मैंने पॉलिटी हैंड रिटन नोट्स की वीडियोस अपलोड कर दी है, जो हमारे नेशनल मूवमेंट्स हुए थे, हर एक मूवमेंट को एक छोटी छोटी वीडियो में कवर किया है, वो भी अपलोड कर दिया है। तो अगर आप इस तरह की वीडियोज़ देखना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, वहाँ पे जाकर आप देख सकते हैं। जो भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जैसे कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन हो गई, या फिर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हो गई, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन हो गई, इस तरह के अगर आप ऑर्गेनाइजेशंस देखना चाहते हैं, उनके भी मैंने शॉर्ट नोट्स बनाए हुए हैं, उनको भी आप देख सकते हैं। बिल्कुल स्टिक इन्फॉर्मेशन आपको मेरे चैनल पर मिलेगी। कहानियाँ वाला जो होता है ना, वो डिस्क्रिप्शन वाला, इलेबोरेशन वाला तो मैं एक्सप्लेन करती नहीं हूँ, बट मैं बहुत जल्दी सून स्टार्ट करूँगी। बट फिलहाल आपको बिल्कुल फैक्चुअल डेटा मेरे चैनल पे मिलेगा, तो आप चाहे तो उन सबको देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दिया है, प्लस ज्योग्राफी की हैंड रिटन नोट्स की सीरीज़ भी स्टार्ट की है, अगर आपने शुरू से नहीं देखी है आप देख सकते हैं। एंड आज की वीडियो के लिए इतना ही। मुझे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं आपको वीडियो कैसी लगी, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तब तो आपको अच्छे से पता है क्या करना है। जल्दी से कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को कीजिए प्रेस, सो दैट मैं जैसे कोई वीडियो अपलोड करूँ आप तक एकदम से नोटिफिकेशन पहुँच जाए। वीडियो को लाइक करें, वीडियो का लिंक शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, एंड दैट्स इट गाइस। See you soon.